दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल केवीके ब्लॉग। और आज बसंत पंचमी की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। कल है बसंत पंचमी और उसके लिए बनाने जा रहे हैं लड्डू। लड्डू बहुत शुभ होते हैं बसंत पंचमी के दिन, पीले रंग के बनाना बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम लड्डू बनाने जा रहे हैं आज। हाँ भाई काजल, तू तो कंबल में लेटी हुई है यहाँ पे, और मैंने तेरे से कहा था कि लड्डू बना कुछ कर, तू क्या कर रही है? कुछ नहीं, ठंडा बना रही हूँ। ठंडा बना रही है, ठंड अचानक पड़ी है, तो कंबल से तो बाहर निकल, जब भी तो बनाएगी लड्डू। ऐसे कंबल में बैठ के लड्डू बनाए जाएंगे? तुम हम लोग ही बनाने लगे हो। हैं? नहीं, तू कंबल में बैठ के लड्डू बनाएगी? नहीं, बनाने हैं। लड्डू बनाने हैं ना, मैंने कहा। हाँ। क्योंकि वैसे तो क्या बनाया जाता है वैसे बसंत पंचमी में, बनाया क्या जाता है? चावल मीठे बनते हैं, हलवा बनता है बेसन का, लड्डू बनते हैं बेसन के, जो इच्छा वो बना लो। वैसे मीठे का भोग जो लगता है सरस्वती मैया को। अच्छा, सरस्वती मैया का हैप्पी बर्थडे। सरस्वती मैया का हैप्पी बर्थडे, विद्या की देवी का। अच्छा अच्छा, चलो जी, चलो बहुत शुभ काम है। हलवा बनाना या लड्डू? नहीं, जो तुम कहो। लड्डू ट्राई कर लेते हैं। चलो लड्डू बनाते हैं, पीले कलर के बेसन के लड्डू। ठीक है, चलो आओ चले फिर किचन। तो आज कर रही है काजल लड्डू की तैयारी, और आपको आज बना के दिखाएंगे बेसन के लड्डू। और लड्डू बड़े आज तक इसे खिलाए नहीं है, फर्स्ट टाइम बना रही है वैसे। हाँ, ट्राई करूंगी। हाँ। अच्छे बन जाएंगे। करो ट्राई करो, चलो। हाँ जी, हो गई आपकी तैयारी? हाँ, मेरी तैयारी हो चुकी है लड्डुओं के लिए। जो जो सामान चाहिए होता है। अच्छा, वो पहले मैं दिखा देती हूँ। दिखाओ क्या क्या डालोगे। एक कटोरी बेसन है। अच्छा जी। आधी कटोरी पाउडर शुगर है, ये नॉर्मल घर की चीनी है, इसको मैंने मिक्सी में पाउडर बना लिया है। अच्छा, ठीक है। एक कटोरी देसी घी है। ठीक है, ठीक है। थोड़े से बादाम है गार्निशिंग के लिए, और ये थोड़ा सा पानी है। इसका क्या यूज है ये आगे जाके जैसे से वीडियो बनती रहेगी पता लग जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो बेसन है, मैंने स्पेशली ये बताना है कि जो लड्डुओं में बेसन होता है ना, वो नॉर्मल बेसन घर वाला हम यूज नहीं करते, जो नॉर्मल डेली हम घर में यूज करते हैं ब्रेड पकौड़ों के लिए, कड़ी के लिए। इसके लिए हम मोटा बेसन मंगाते हैं बाजार से। मोटा बेसन यूज करना है। हाँ, ये थोड़ा सा ना दरदरा होगा, हाथ में पकड़ के भी फीलिंग आएगी मोटा बेसन, तो वो बहुत पाउडर स्मूथ बेसन होता है। ठीक है। और इसको छान के यूज करना है, बिना छाने नहीं यूज करना। ठीक है, ठीक है। मैं घी डालने लगी हूँ पैन के अंदर। ठीक है। पैन लिया, उसमें मैंने घी डाला, सारा नहीं डालूंगी। अच्छा, थोड़ा सा छोड़ दूंगी। ठीक है। घी डाल दिया मैंने, अब मैं बेसन डालूंगी इसके अंदर। ठीक है। घी गर्म होने के बाद थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो मैं बेसन डालूंगी। ठीक है, डालो। हाँ जी, जब 3 से 4 मिनट हो जाएंगे ना, ये जब बेसन गीला गीला सा होना चालू हो जाएगा। बढ़िया हो जाएगा। अब ये घी छोड़ना चालू हो जाएगा, 2 से 3 मिनट के बाद घी छोड़ना बेसन चालू हो जाएगा। और सारा काम देख लो कितनी स्लो आंच पे हो रहा है, ये इससे भी मैंने थोड़ा सा और स्लो करना है इसको। तब करेंगे। बढ़िया, सारा काम बहुत धीमी आंच पे होना है। ये कुरकुरे लड्डू बनेंगे करारे करारे से, नहीं तो बेसन कच्चा रह जाता है भुनने में। अच्छा। हाँ, तेज आंच पे अगर बेसन भुनेंगे, बेसन कच्चा रह जाएगा, वो टेस्ट नहीं आएगा बढ़िया। और जो बेसन का रंग अच्छा सा आना है ना, अब तो टेस्ट आएगा ना, मगर जिस स्टाइल से तो भून रही है, मतलब कि स्लो आंच पे भूनना है इसको। ठीक है जी। हाँ। स्लो आंच पे भूनो कोई बात नहीं। इसमें तो लकड़ी की कड़छी यूज नहीं होती, होती नॉन स्टिक पैन के अंदर तो होती है, नॉन स्टिक पैन में लकड़ी की कड़छी, लेकिन मेरी टूट गई, वो दो लाई थी, दोनों टूट चुकी हैं। चलो अब कल तुम्हें दिलवाते हैं नहीं। और ये लड्डू का प्रोसीजर बताओ कैसे चल रहा है? बस ये भुनने वाला है, बेसन होने वाला है रेडी। आप देख रहे हो काजल की रसोई कितनी साफ रहती है, किसी लेडीज की रसोई इतनी साफ नहीं रहती होगी जितनी काजल की रहती है। इसका राज आपको मैं बताने जा रहा हूँ आज। क्या? इसका एक राज है, आज आपको एक राज भी बताना है मैंने, कि काजल की रसोई इतना साफ क्यों रहती है। क्यों तो पूछो, क्यों पूछ रही है, क्यों जनता पूछ रही है क्यों? ये देखो, काजल की रसोई कितनी साफ है, किसी की भी रसोई इतनी साफ नहीं होती होगी। अच्छा जी, देखो है साफ रसोई।
इसके अंदर भी एक राज है जो आपको आज बताने जा रहा हूँ, मैं उसका खुलासा करने जा रहा हूँ कि काजल की रसोई इतनी साफ कैसे रहती है। वो स्कीम आप भी अपने घर में लगाएं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बीच में लड्डुओं के बीच में मैंने रोक के ये स्कीम बताई है लेडीजों के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि काजल की रसोई साफ कैसे रहती है। देखिए ये है इसका राज, इसने किचन का सारा सामान एक साइड रख दिया है और ये देखिए कितनी साफ किचन है इसकी यहाँ पे। और ये धोखा दे रही है सबको किचन साफ दिखा के उधर। और आप देखिए इसको, हाँ भाई काजल अब अपना फेस इधर करें, शर्माए नहीं, ये बताएं ये क्या है। आप हमारे व्यूवर्स को धोखा देने जा रही थी कि इतनी साफ किचन दिखा के। देखिए ये दिखाया आपने, इधर बहुत साफ है मेरी किचन, ये है वो है, मैं बहुत साफ रखती हूँ। और ये क्या, ये देखिए इधर से भी साफ है। बनानी थी। ये क्या है, वो डेली यूज का सामान है। हाँ ठीक है, उसमें से सारा सामान मैं इधर रखती भी नहीं। अच्छा, वो सामान वहीं रहता है। तो आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आप हमारे मतलब जो चैनल के ऊपर हमारे सब्सक्राइबर है, आप उनको धोखा दे रही थी किचन साफ दिखा के इधर की। तो किचन तो साफ रखनी पड़ेगी, किचन गंदी धोना छोड़ दोगे। हाँ किचन तो साफ रखनी। हाँ ये क्या किया आपने, उधर क्यों इतना कुछ करती? नहीं वो खाना बनाना है, वो खाने का सामान पड़ा है, इधर पनीर पड़ा है, उधर बेसन पड़ा है, वो बाद में संभाल दूंगी ना। गाजर पड़ी है। हाँ गाजर का हलवा भी बनाना है हमने। कितनी बार गाजर का हलवा बनाएगी, तो मतलब हलवा ही बनाती रहेगी क्या? बहुत अच्छा लगता है गाजर का हलवा। अच्छा, मैं हफ्ते में दो बार बना के खुद ही खा रही हूँ। अच्छा, ओहो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आप बनाए फिर लड्डू की तैयारी करें। लड्डू हाँ हमारा बस बैटर हो चुका है, अब ठंडा करने के लिए छोड़ा हुआ है ना इसको, इसको 15 से 20 मिनट लगेंगे, ये बेसन जो भुना हुआ ठंडा हो जाएगा, इसमें फिर अगला स्टेप करें। और इसमें ये देखो घी भी साइडों से सारा आ चुका है, मैंने घी बहुत लिमिटेड यूज किया था, मैंने उसमें छोड़ दिया था घी, क्योंकि एक कटोरी बेसन है तो आधी कटोरी से भी कम में घी में हमारे लड्डू रेडी हो जाएंगे। ठीक है, ये ढीला हो गया सारा। आपने पहले कभी लड्डू बनाए हैं? ये मैंने बनाए नहीं है, ट्राई करे थे। कब करे थे? दो ढाई साल हो गए होंगे। तब तो आपने बहुत बेकार लड्डू बनाए थे उस टाइम, तो पत्थर हो गए थे वो। तो मैं याद तो है, अब देखते हैं कैसे बनेंगे। हमारा बेसन बिल्कुल, ये देखो घी छोड़ चुका है। ठीक है, दिख रहा है तो। ये देखो हो गया। अब इस स्टेज पे ना थोड़ा सा हाथ में हमने पानी लेना है, सीटा दे देना। पानी का छीटा देना है, इससे और ब्राउन होगा, फिर बेसन फूल जाएगा सारा हमारा। ठीक है, और लड्डू दरदरे बनेंगे, दानेदार लड्डू बनाने का एक सीक्रेट हमारा है। बस बढ़िया, गैस मैंने कर दी है बंद, इस बैटर को अब मैं ठंडा करने के लिए छोड़ दूंगी, ये दरदरे लड्डू बनेंगे। दरदरे कौन से लड्डू होते हैं? दरदरे क्या होता है? दरदरे तो कुछ दर्दनाक सी चीज होती है कोई। अरे मतलब कि लदोया लड्डू नहीं बनेंगे, वो जो होते हैं ऐसे ही दानेदार लड्डू बनेंगे ना। ये वो दरदरा क्या होता है? होता है वो भी कुछ वर्ड होता है, मतलब मुझे बोलना नहीं आ रहा। मैं इस बैटर को ठंडा करने के लिए छोड़ दूंगी। ठीक है जी। हाँ जी काजल जी बताओ, अब क्या कर रहे हो आप? बेसन ठंडा करने का वेट कर रही हूँ। अभी बेसन ठंडा नहीं हुआ, होगा ना उसके बाद ही हम इसमें चीनी मिलाएंगे। अगर हमने इसको हल्का सा भी है, जैसे गरम गरम सा बेसन हुआ ना। अच्छा। तो चीनी पानी छोड़ जाएगी, सारा बेसन पतला पतला सा हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, बेसन के ठंडा होने के बाद ही हम लोग इसमें चीनी मिलाएंगे और इसके लड्डू रेडी करेंगे। चलो ठीक है, करो फिर, करो जल्दी करो लड्डू रेडी, और हम खाने के लिए यहाँ तैयार लड्डू। हाँ जी, अब क्या स्टेप है? बेसन हमारा ठंडा हो चुका है। अच्छा ठीक है, ये देखो मैंने इसको 15-20 मिनट के लिए ऐसे ओपन छोड़ दिया था। ठीक है, ये जो पाउडर शुगर है ना, मैंने आधी कटोरी से भी कम है। ठीक है, तो अब आप लोग चाहें तो इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, मीठा मतलब जितना कोई इंसान जितना लेना चाहता। अच्छा, मैं बस इतना सा डालूंगी। इतना सा ही? इतना सा ही है, इतना सा होता है ना। ये व्हाइट लड्डू थोड़ी बनेंगे तेरे पीले की जगह। प्योर बेसन के लड्डू बन रहे हैं, देसी घी के, ये ना कि दुकानदारों बाजारों जैसे लड्डू। अब मैं चीनी मिला रही हूँ इसके अंदर, वो जो पाउडर बनाया था अच्छी तरह से। ये ऐसे हाथ से मिलाएगी तू चीनी? और क्या, चीनी हाथ से ही मिलानी है। बैटर देखो इतना ठंडा हो चुका है कि, और ये भी चेक कर लेना कि घी कितनी क्वांटिटी है इसके अंदर। अच्छा। प्रॉपर लड्डू बनेंगे। अभी कौन से लड्डू बनेंगे, दरदरे?
दानेदार बेसन के लड्डू बनेगा और यकीन मानिए बहुत टेस्टी बनेंगे। तूने तो नाम दरदरे रखा। नहीं नहीं मतलब बढ़िया लड्डू बनेंगे अगर आप लोग चाहें। काजल ने बनाए दरदरे लड्डू। बादाम काजू का ना पाउडर बना के भी डाल सकते हैं इसके अंदर, उससे और फ्लेवर आएगा। लेकिन मैंने सिंपल स्टेप और सिंपल मतलब लड्डू बनाए बेसन के, बनाने चाहिए। हम इसकी लड्डू बनाने की तैयारी करते हैं। बनाओ जरा, बनाओ लड्डू, बना के दिखाओ। लड्डू गोल बनेगा, टेढ़ा मेढ़ा बनाएगी। अभी ये नहीं मुझे पता कैसा बनेगा। फिर क्या पता? बना गोल दिखा मुझे। बहुत बना तो हलवाई होगी पूरी। मैंने वो आधी कटोरी छीनी थी, वो भी पूरी नहीं डाली है। हाँ छोड़ दिया। मीठा डाल देंगे ना लोग, जैसा मीठा चाहिए। मैंने एक इसमें वैसे गुड़ भी डाल सकते थे। हाँ, मैंने ट्राई नहीं करा। मैंने गुड़ के मीठे लड्डू बनाती, कितने अच्छा बनते हैं। वैसे मैं हमेशा चावल बनाती हूँ, मीठे चावल मुझे बहुत अच्छे चावल बनाने आते हैं, मीठे पीले रंग के। तो वो भी बना लेना फिर। अब सब कुछ एक ही दिन में बना के खिला दूं, है सब कुछ बना दूं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो अगले बार। हाँ जी, कौन सा स्टेप चल रहा है आपने? लड्डू रेडी। गोल लड्डू कैसे बना दिया कल तुमने तो पूरे। वाह भाई वाह। लड्डू मैंने बना दिए हैं, अब इसको ना थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं खा सकते क्योंकि टूट जाएगा। अच्छा ठीक है, अब इसको सेटल होने के लिए रख देते हैं। फिर बादाम वगैरह कब लगाएगी? बादाम मैं अभी लगा दूंगी, इसको डेकोरेट कर दूंगी। बादाम या काजू का टुकड़ा काट के लगा दिया, इसको बहुत सुंदर लगेंगे लड्डू। ठीक है, थोड़े देर ठंडा होने के लिए, हाँ सेटल होने के लिए रख देते हैं, नहीं तो लड्डू अभी टूट जाएगा, पकड़ा भी नहीं जाएगा। ठीक है कोई बात। काजल ले आई है लड्डू टेस्ट कराने के लिए, और आज इसने हमारी बहुत ज्यादा बेइज्जती कराई है लड्डू बनाते वक्त। इतनी बेइज्जती कराई है मैं आपको बता नहीं सकता, कि इसने बनाने थे पीले लड्डू और बना दिए ब्राउन लड्डू। नहीं जी, बेसन के लड्डू घर में ऐसे ही बनेंगे अच्छी तरह से। इसको जब घी में भूनेंगे ना बेसन, तो ये इसी रंग के बनेंगे। इस रंग सेट हो गए। इस रंग का कौन सा लड्डू बनता है? बस मेरे को शेप देनी नहीं आई, वो बात अलग है। लेकिन लड्डू बड़ा टेस्टी, बड़ा टेस्टी बना है। दिखा, तोड़ के दिखा लड्डू, टूट क्यों नहीं रहा ये? अरे देसी घी के बने हुए हैं, घी के लड्डू तो जम जाते हैं। ये देखो, लड्डू का कलर तो अच्छा है वैसे, मगर ब्राउन कर दिया तूने, टेस्टी भी बहुत है। अच्छा जी, हाँ जी, टेस्ट कराओ अपने लड्डू जो आपने बनाए हैं। फर्स्ट टाइम लड्डू बनाया हमने, मैंने लड्डू तो बहुत टेस्टी बनाए हैं, मगर तुमने धोखा दिया लोगों को। ब्राउन लड्डू बना दिए तुमने, यूं कहना लड्डू पीले बनते हैं, तूने ब्राउन बनाया। वो बेसन ही घी में भूनते भूनते वो ऐसे रंग का हो गया। लेकिन कमी तो कोई नहीं है ना, और मैंने इसमें कोई कलर भी यूज नहीं किया, हल्दी तक नहीं डाली। वैसे तो अगर हमने पीला इसको करना होता ना प्रॉपर पीला, तो हम इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं। फूड कलर तो ऑप्शन है ही, लेकिन मैंने इसको कुछ नहीं डाला। ये रियल मेरे हाथों के बने हुए बेसन के लड्डू है। और ये घर में ऐसे ही बनते हैं, थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी। वैसे बेसन ज्यादा भुना गया वैसे तो, मेरे को तो ये लगता है। तो बहुत बेइज्जती कराने वाली है ये ब्लॉग के अंदर, बहुत ज्यादा। लड्डू बहुत टेस्टी बने, ब्राउन लड्डू बने, कोई बात नहीं, चलो अगली बार अच्छे बनाइयो। ये फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किए हैं, 2.5 साल पहले बनाए थे, तो भी इसी रंग के बने थे। वैसे तो मैं आपको अपनी सच्चाई बताऊं, मैंने 2.5 साल पहले भी लड्डू ट्राई किया था, ऐसा ही बना था। अच्छा। इसी रंग का बना था, आज बनाया वो भी इसी। तो भी आपने बेइज्जती कराई थी, आज भी कराई है अपनी। दानेदार दिखा गाइस, देखो लड्डू कैसे दानेदार बना है। वो हलवे स्टाइल का नहीं बना लड्डू, बढ़िया बना है। लड्डू हमने रेडी कर लिए हैं। बिल्कुल जी, कर लिया तो, आपने लड्डू रेडी। हाँ, लेकिन बस ये है कि वो येलो एग्जैक्ट नहीं बनते, क्योंकि जो बाजार के लड्डू होते हैं उनमें वो रंग मिलाते हैं, फूड कलर मिलाते हैं। ये आपने बनाने थे बसंत पंचमी के लिए पीले। हाँ, लेकिन ये आपने, आपके लड्डू का कलर आया है ब्राउन। ये कैसे लड्डू बनाया है? ब्राउन लड्डू कौन से होते हैं? वो पीला रंग आया ही नहीं मुझे। आप तो कह रहे थे बसंत पंचमी में बनाऊंगी पीले लड्डू बनाऊंगी, ये पीले लड्डू की जगह ब्राउन लड्डू कैसे बन गए?
अब ये मुझे खुद नहीं समझ में आया, लड्डू पीले बने ही नहीं, बेसन के लड्डू तो पीले बनने चाहिए थे। ये तो मतलब आप वो रंग का चक्कर है, फूड कलर। तो ये आपने बनाया क्यों नहीं? तो आपने कहा बसंत पंचमी के लिए बनाऊंगी है? बसंत पंचमी के लिए ब्राउन लड्डू चलता क्यों है? ऐसे थोड़ी होता है, मतलब यूं से मैंने बेसन ही पीला किया है ना। हाँ, और तूने कहा दरदरे बनाऊंगी, फलाना बनाऊंगी, कौन से दरदरे बने हैं तेरे? तेरे कौन से दरदरे बने हैं? देख लो जी, इसके लड्डू भी दिखा देते हैं आपको, इनके दरदरे लड्डू देख लो। ये लड्डू बनाया जी इन्होंने, बढ़िया, इतने टेस्टी बने हैं, मैं आपको बता नहीं सकती कैमरे में, ये बस बोल रहे हैं ऐसा, लेकिन लड्डू बहुत टेस्टी बना है, लड्डू बहुत टेस्टी बने हैं इसमें। मगर ये ब्राउन लड्डू बना दिए तूने, और हमारा कॉन्सेप्ट था कि हमने पीले लड्डू बनाने हैं बसंत पंचमी के लिए। दोस्तों, बेसन के लड्डू घर में आप बनाओगे ना, हमेशा इसी कलर के बनेंगे, चेंज नहीं हो सकता कलर इसका, कलर ऐसा ही सेम आएगा जब आप घी में इसको भुनोगे, घर के लड्डू सेम ऐसे ही बनेंगे। तो अब इसकी एडिंग क्या डालनी है? ब्राउन लड्डू डालने हैं, पीले लड्डू डालने हैं, बस क्या करना है फिर? बस बेसन के लड्डू डालेंगे, बेसन के लड्डू ना। हाँ। चलो कोई बात नहीं, और बहुत टेस्टी बने हैं ये, रेसिपी बहुत इजी है, बहुत बढ़िया रेसिपी से मैंने बनाए हैं। नहीं, अगर अच्छे लगे हो तो क्या करना है? लाइक शेयर कमेंट करना है। अगर लड्डू अच्छे लगे हो तो, मेहनत पूरी करी है इसने, लेकिन लड्डू बनाया पीले की जगह ब्राउन। कोई बात नहीं, मैंने कहा ब्राउन लड्डू खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हंस क्यों रही है? हंसने की क्या बात है इसमें? बन गए अब जो बनने थे, अभी ऐसे ही है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आपके लिए बहुत अच्छे लड्डू बनाएंगे। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करिए प्लीज। हमारे सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। ओके, बाय बाय।